हेलो दोस्तों, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लेमिनेशन मशीन के बारे में। दोस्तों, लेमिनेशन मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। लेमिनेशन मशीन का मतलब है कि जो मशीन आपके किसी भी आधार कार्ड को या किसी भी ऐसे कागज़ को एक पन्नी में पैक कर देती है और उस पन्नी को इतना हार्ड मजबूत कर देती है कि वो आपका फुल टू सेफ हो जाता है। मतलब कि आप इजीली वो डॉक्यूमेंट आसानी से एक पन्नी में हमेशा के लिए पैक करके रख सकते हैं। दोस्तों, लेमिनेशन मशीन वैसे तो मार्केट में बहुत सारी मिलती है, लेकिन आज मैं आपको कुछ एक ख़ास मशीन बताने वाला हूँ जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। और आज मैं आपको उस मशीन का रिव्यू भी देने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि उसमें कौन सा मशीन में जो रोल आते हैं वो किस टाइप का होता है, लेमिनेशन मशीन में कितने प्रकार के आपको पन्नियाँ लगती हैं, उन सब की डिटेल भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि अगर आपको घर के लिए लेमिनेशन मशीन चाहिए तो आपको कौन सी खरीदना पड़ेगा और कौन सी खरीदना है। तो दोस्तों, फटाफट मेरे साथ बने रहिए और चलिए पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं ही ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये हमारी मशीन है लेमिनेशन की। ये देखिए, ये मेरी लेमिनेशन मशीन है और मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बटन दी गई है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको लेमिनेशन रखना है, जितना आपको हार्ड करना है मशीन में, उस टाइप से आप ये लेमिनेशन हार्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बटन दी गई है, जब यहाँ ग्रीन जलता है तो आप समझ जाइए कि आपकी मशीन तैयार हो गई है लेमिनेशन करने के लिए। ये दिया है इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिज़र्व। अगर आपको कभी आपका ऐसा लगे कि आपका जो है लेमिनेशन फंस रहा है तो आपको रिवर्स करके पीछे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो जो आपका जो लेमिनेशन है इसके आगे निकल जाएगा। और इसमें कोल्ड का भी ऑप्शन दिया, अगर आपकी कभी मशीन ज़्यादा हीट हो जाती है तब आप इसे कोल्ड भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ये बटन दिए पावर ऑन ऑफ़ की, इससे आप पावर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी मशीन के बारे में। तो दोस्तों, ये मशीन आपको A3 लेमिनेशन करके देती है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा आपको A3 जो लेमिनेशन होता है वो आपको इसमें डाल के आसानी से आप घर बैठे या अगर आपकी शॉप है तो वहाँ पर लेमिनेशन कर सकते हैं। और इसमें A4 का भी लेमिनेशन हो जाता है, आधार कार्ड भी लेमिनेशन हो जाता है और इसमें बड़े वाले जो आधार कार्ड आते हैं वो भी लेमिनेशन हो जाता है। इवन आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो आप मतलब मार्कशीट वगैरह है, वो भी बहुत आसानी से इसमें लेमिनेशन हो जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको क्या बोलते हैं, घर में अगर कोई ऐसी मशीन यूज़ करना है लेमिनेशन करने के लिए तो आपको कौन सी मशीन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मशीन है मैं उन लोगों को रिकमेंडेड करूँगा जो लोग जिनकी दुकान है या जो जो लोग बहुत दिन भर यही काम करते हैं, तो उन लोग ये बड़ी मशीन ले सकते हैं। ये अप्रोक्सी समझ जाइए 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है, 3,000 रुपये के आसपास आपको ये मशीन मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग घर के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि घर में हमेशा लेमिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कभी कभार ही लेमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और हमें इतनी बड़ी मशीन लेकर के भी वहाँ पे कोई यूज़ का नहीं रहता है, हमें छोटी सी मशीन चाहिए होती है जो हमें कभी कभार यूज़ भी हो जाए और हम उसे पे करके भी रखते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं आपको एक मशीन बता रहा हूँ। ये मशीन आपको 1,000 रुपये 1,500 रुपये के आसपास आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस मशीन में एक ख़ास बात यही है कि बस आप इसमें A4 साइज़ के ही प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी इसमें आप A3 की साइज़ की बात करें, यानी उससे जो बड़ा आता है वो साइज़ आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे इस मशीन में यहाँ से यहाँ तक जो है ये होता है A3 साइज़। ठीक है, यहाँ तक का जो साइज़ है आप इस मशीन में आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो वो मशीन है, ये मशीन आपको सिर्फ A4 का ही साइज़ दे पाएगी। लेकिन ये जो मशीन है दोस्तों, आपको घर बैठे ही अगर आपको प्रिंट घर बैठे ही अगर आपको लेमिनेशन करना है तो ये मशीन आप बुलवा सकते हैं और घर में रख सकते हैं। घर में आपको जब भी यूज़ हो तब आप लेमिनेशन करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस मशीन का यूज़ कीजिए, ये मशीन बहुत अच्छी है और हार्ड भी है। ये देखिए, उठाने में भी वजन नहीं है, लेकिन वो मशीन थोड़ा आपको हल्की पड़ेगी। ठीक है, अब आइए इस मशीन में जो लेमिनेशन यूज़ होते हैं मैं उनकी आपको कहानी बता देता हूँ। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये लेमिनेशन जो है ये होता है आधार कार्ड लेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइए मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ फटाफट से। ये देखिए, ये जो पन्नी है इस तरीके की यूज़ होती है आधार कार्ड के लिए, जो बड़ा आधार कार्ड आता है उसके लिए लेमिनेशन के लिए यूज़ होती है। अगर आपको ये सब कुछ खरीदना है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आपको वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके सारा सामान आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, ये जो है आधार कार्ड प्रिंट करने की पन्नी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप अभी जो पन्नी देख रहे होंगे बहुत धुंधली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको धुंधला ही पन्नी में पैकिंग होगी। लेकिन जब ये मशीन मशीन के अंदर जाती है तो एकदम क्लियरिटी आ जाती है, कांच की तरह क्लियरिटी आ जाती है।
अभी आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट रखेंगे ना तो वो एकदम धुंधला दिखेगा, लेकिन जब आप इसको मशीन से इसे हॉट करके, इसे गर्म करके जब इसे अंदर डालेंगे तो ये एकदम क्लीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पन्नी आप देख रहे हैं ना, ये जो लेमिनेशन कवर देख रहे हैं, ये जो है आधार कार्ड के लिए, बड़े आधार कार्ड के लिए, ठीक है। आइए दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए दोस्तों ये छोटे वाले लेमिनेशन है, ठीक है। ये देखिए ये छोटे वाले कवर हैं, दिख रहे हैं। इसका यूज़ दोस्तों आधार कार्ड के लिए होता है, लेकिन आधार कार्ड कौन सा, जो छोटे वाले आधार कार्ड होते हैं, जो हम सिंगल जो हमने पर्स में रखते हैं कि वो वाले आधार कार्ड हैं। आप इसमें पन्नी में बस आपको यहाँ आधार कार्ड रखना है, ऐसे खोल के इसको इस तरीके से यहाँ पे आधार कार्ड को आपको रख लेना है, और उसके बाद आपको जो है फिर आपकी मशीन में डाल देना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड रखने का, इसको पैक करके इसको मशीन में डाल देना है, और आपका आधार कार्ड पूरा पैक हो जाएगा और एकदम उसमें लेमिनेशन कवर हो जाएगा, हार्ड वाला, प्लास्टिक वाला, ठीक है। तो ये है आधार कार्ड के लिए लेमिनेशन, ठीक है। आइए दूसरा बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों ये है आपकी A3 शीट। आपकी अगर कोई बहुत बड़ी मार्कशीट है या बहुत बड़ा कुछ डॉक्यूमेंट है A3 साइज़ का, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो आप इस डॉक्यूमेंट की मदद से, इस पन्नी की मदद से आप उसमें लेमिनेशन कर सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए आपको मैं इस मशीन में रख के बता देता हूँ, ये देखिए मशीन का पूरा साइज़ इन्हें घेर लिया है, इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग A3 साइज़, ठीक है। और जो नॉर्मली आप पेपर देखते हैं मार्केट में, जो भी पेपर आते हैं वो सब A4 साइज़ के आते हैं, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ A4 साइज़, ठीक है। आइए ये देखिए, ये मेरा A4 साइज़ का जो है पन्नी है प्लास्टिक की, ये देखिए तो किस तरीके की दिखती है, देख लीजिए। ये देखिए ये है A4 साइज, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, ये है A4 साइज। अब A4 साइज़ देखिए इसमें कितना आता है, यहाँ इतना करीब आएगा, ठीक है। ये देखिए तो इसमें आप अपने मार्कशीट वगैरह हो गई, डॉक्यूमेंट वगैरह, वो आसानी से इसमें लेमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक सैंपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये रोल। अब दोस्तों इस रोल का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ये भी लेमिनेशन रोल है, लेकिन ये जो रोल है ये ज़्यादातर जैसे कि बहुत ही पतला लेमिनेशन जो होता है ना, अगर आपको वो लेमिनेशन करना है तो उसके लिए ये लेमिनेशन यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इस मशीन से अगर आपको ये लेमिनेशन करना है तो आपको इसको कम से कम समझ जाइए दोस्तों ज़ीरो ज़ीरो करीब के आसपास को सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ज़्यादा हीट करेंगे तो इसमें चिपक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो मशीन आती है वो दूसरी आती है। ये आपको प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, जब प्रिंटिंग होती है तो प्रिंटिंग में भी ये लेमिनेशन चढ़ता है, ठीक है। इवन अगर आपको घर के लिए भी यूज़ करना है तो ये सबसे सस्ती पड़ती है, और इस टाइप के लेमिनेशन से आप घर में भी लेमिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए अगर आपको इसको मंगवाना हो तो ये सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ इसमें लेमिनेशन करके, कि कैसे लेमिनेशन करना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमने मशीन को प्लग कर लिया है, ये हमने मशीन चालू कर दिया है अपनी और अब हम अपनी मशीन को ऑन करने वाले हैं। ये देखिए तो आप देख सकते हो इसमें लाल लाइट जल रहा है, यानी कि अभी हमारी मशीन तैयार हो रही है लेमिनेशन करने के लिए, ठीक है। और आपको मशीन को दोस्तों, अगर आप कोई भी लेमिनेशन कर रहे हो अगर, तो आपको ज़्यादातर इसको कम ज़्यादा में नहीं करना है, इसको नॉर्मली इतने में रहने दीजिए, है ना। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो इतना, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, कि ज़्यादा भी कर देंगे एकदम हाई हैवी में तो आपकी मशीन में ये जो है पन्नियाँ चिपक सकती हैं, ठीक है। ये दिया ज़रूर रहता है इतना हॉट, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता है इसमें, सिर्फ यहीं तक कि आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं पन्नी आपको दिखा रहा हूँ इसे माइक्रोन चलते हैं, मतलब ये पन्नियाँ और भी पतली आती हैं। अगर ज़्यादा पतली पन्नी यूज़ करेंगे तो आपको ये जो बटन है ना, इसको और भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट करेंगे तो ये हीट सह नहीं पाएगी उस टाइप की पन्नियाँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पतला लेमिनेशन मंगवाएंगे तो आपको बहुत ही कम में इसको रखना पड़ेगा। अभी हमारा थोड़ा मोटा है तो हम इसे थोड़ा सा मोटा होने के कारण इसे हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इतना करीब में, ठीक है। तो ये भी आप मंगवाते समय ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर पन्नी मोटी और थोड़ी सी और पतली भी आती है, उससे होता कुछ नहीं है दोस्तों, लेमिनेशन सब में होता है। बस बात इतना है कि जैसे ज़्यादा अगर आप मोटा मंगवाते हैं तो थोड़ा हार्ड रहती है वो पन्नी, ठीक है, आपने देखा होगा मुड़ती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और पतली मंगवाएंगे तो ईजिली टर्न हो जाती है वो, ठीक है। चलिए फटाक से मैं आपको लेमिनेशन करके बताता हूँ। तो अभी हमारी जो मशीन तैयार हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है था मैंने, फॉरवर्ड होता है और ये होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा ग्रीन कलर जलने वाला है, और ये जो है यहाँ पे कोल्ड होता है, इसको दबा देंगे तो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी मशीन, और यहाँ कर देंगे तो मशीन गर्म होगी, ठीक है। दोस्तों मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई आधार कार्ड नहीं पड़ा है, लेकिन मेरे पास अभी एक किसी का विजिटिंग कार्ड पड़ा है, तो मैं आपको वही करके बताता हूँ, ठीक है। तो इस विजिटिंग कार्ड को मैं इसे खोल के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अभी हम इसे एक लेमिनेशन करके देखते हैं फटाक से कि कैसे लेमिनेशन होता है। आइए
तो इस तरीके से आपको उसको रख लेना है, ठीक है। जैसे ही आपकी मशीन तैयार होगी तो हम उसे मशीन में डाल देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, हमारी जो मशीन है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हरा लाइट जल रहा है, मतलब कि अब हम इसमें लेमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको और सेट करेंगे तो ये फिर वापस से रीसेट हो जाएगी और फिर से आपको चालू हो जाएगी। चलिए हम इसमें फटाक से आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ मैं करके। तो ये मेरे पास एक, समझ जाइए, आधार कार्ड ही है, आप आधार कार्ड भी ऐसे ही रखेंगे इसमें। तो अभी मैं आपको एक सैंपल डेमो दिखा रहा हूँ, इसलिए हमको ये करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से रख लीजिएगा, मैं इसको ऐसे करके देखिए, यहाँ इस तरीके से आपको रखना है। और ये जो बंद वाला जो भाग है ना, पैक वाला, वही आपको यहाँ से डालना है, ठीक है। खुला वाला भाग को आपको ऐसा बाहर रहने देना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है, उसको छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, और यहाँ से ये मशीन से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि धोखे से फंस जाए, इसको वापस बुलाना है, तो आप तो इसको इस साइड से दबा दीजिए, देखिए फिर मशीन में वापस जाएगा, देखिए आ गया ना वापस। लेकिन अगर आप चाहते हैं वापस अंदर जाए, तो उसको आप दबा दीजिए रिटर्न। ये देखिए इसकी ज़रूरत तब पड़ती है दोस्तों, जब हमारा कभी धोखे से मशीन फंस जाता तब, ठीक है। तो अभी हमारा जो है वहाँ से लेमिनेशन होकर निकलेगा, आप ये देखिए देख सकते हैं यहाँ से। अब आप देख रहे होंगे पन्नी पहले कैसी थी, और आप देखिए कितना अच्छा पन्नी का जो लुक है आ गया है। और ये देखिए कितनी हार्ड हो चुकी है पन्नी, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर में या दुकान में कहीं पे भी लेमिनेशन कर सकते हैं, लेमिनेशन मशीन मंगवा के। तो अगर आपको ये मशीन खरीदना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ये मशीन आपको असली मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, इसी तरीके से आपको सारे लेमिनेशन करना है। सभी लेमिनेशन में आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रख लेना है, और बस इस मशीन में आपको इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देना है, और मशीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक इसे खींच के बाहर फेंक देगी और आपका लेमिनेशन हो जाएगा। बस इसे याद रखिएगा कम ज़्यादा करने का, ज़्यादा हाई हैवी मत कीजिएगा, हैवी करने में दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा हीट होगा तो फंस जाएगा, इसे कम में ही रखिएगा, है ना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों आपको जब ये मशीन खरीदेंगे, दोस्तों जब आप ये मशीन खरीदेंगे तो साथ में आपको ये भी मिलेगा। अब ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी धोखे से अगर लाइट गुल हो जाती है और मशीन में कोई पेपर फंस जाता है, लेमिनेशन मशीन में आपका कोई लेमिनेशन कागज़ फंस जाता है, तब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना क्या है दोस्तों, ये जब मशीन बंद हो जाए तब आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है छेद, इसको आपको यहाँ पे ऐसा फंसा देना है, देख रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको घुमाने में, आप इसको घुमाते जाइए, आपका जो भी कागज़ जहाँ भी फंसा होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। अगर आप उसको उल्टा घुमाएंगे तो उल्टे में नहीं, ऐसे इस टाइप से चलता है, देखिए देखिए ना, आपको उसको घुमाते जाना धीरे धीरे, और जो भी आपका कागज़ यहाँ फंसा होगा ना वो वापस यहाँ से पूरा निकल जाएगा। तो ये उस समय काम आता है दोस्तों जब आपका लाइट गोल हो और अचानक से धोखे से लाइट गोल हो जाए और लेमिनेशन मशीन बीच में बंद हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर उस समय हीट होगी तो हो सकता है कि लेमिनेशन कवर जल भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फंसा के फटाक से उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सामान सब लेना हो, मशीन का लेमिनेशन मशीन लेना हो, चाहे वो घर बुलाने वाली जो A4 की छोटी मशीन लेना हो, आप ये सब सामान घर बैठे बुला सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इन सब की आपको मैंने लिंक दिया हूँ, क्लिक कीजिए और घर बैठे इन सामान को मंगवा लीजिए। कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।